अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ वो जिन हाउस पे करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ वो बड़ा गलत हुआ और इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम्ड करता हूँ। ना ही खान साहब की ऐसी तालीमात हैं और ना हमारी पार्टी में है, क्योंकि इंसाफ की पार्टी है, जस्टिस की, ठीक है। और जिस तरह कोर कमांडर साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, उस पर सलूट है उस अफसर को कि उन्होंने सिविलियंस पे कोई ना फायर किया ना और कुछ उनसे किया, झगड़े की कोशिश की। उनका पेशेंस है और जितने भी बंदे जो अंदर घुसे हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ की है या चोरी की है वहाँ पे, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को कोई ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना ये PTI इजाज़त देती है, ना ये खान साहब ने कभी कहा है तोड़फोड़ का, तो इसलिए इन पे सही एक्शन होना। तो ये वीडियो क्लिप है जी जिन्हें उस हमले का, और यहाँ देखे कमांडर साहब, उनकी फैमिली खड़ी हुई है और कितने वो तरीके से समझाने की उनकी कोशिश कर रहे हैं। कमांडर साहब को एक बार फिर सलूट है जी। ये है हमारी पाक फौज, ये मोहब्बत करती है पाकिस्तानियों तुम्हारे से, और ये फौज हमारी है, हमारी है, हमारी है। जी आपने क्लिप देखा होगा और ये देखने के बाद मेरा भी शर्म से सर झुक गया है। जिन अफराद को जो जो इस पिक्चर में हाईलाइट हो रहे हैं, जिन्होंने आग लगाई है, वहाँ चोरी की है या कोई भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो PTI का हिस्सा नहीं, ठीक है। और कमांडर साहब को फिर एक बार सलूट है जी। कमांडर साहब ने जिस तरह पेशेंस से मुजाहरा किया, मतलब मैं भी होता मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मेरा बेटा खड़ा हो, मेरी फैमिली खड़ी हो वहां पे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और ऐसे लोगों को कैफे करदार तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।